बिल्कुल, हमारे संवाददाता गौरव मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरव, एक तरफ हम देखते हैं कि अजय मिश्रा पहले किसानों से बदसलूकी करते हैं, वो तस्वीरें हम देखते हैं, उसके बाद पत्रकारों से बदसलूकी, और अब इस मुद्दे पर आप देखिए कि विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है, दोनों सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। चलिए हम जुड़ेंगे गौरव से एक बार फिर से, बता दें उससे पहले कि इस वक्त की बड़ी खबर क्या है। 2 बजे तक के लिए लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही जो है वो स्थगित हो गई है। इस दौरान राहुल गांधी ने अजय मिश्रा को अपराधी भी कहा और ये कहा कि जिसने किसानों को मारा है उसे सरकार में मंत्री पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। संवाददाता गौरव हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। गौरव, लगातार अजय मिश्रा की बदसलूकी की तस्वीरें कैमरे में कैद होती रही और विपक्ष ने इसे एक बड़ा मुद्दा बना लिया है। देखिए, साफ तौर पे देखा जाए जिस तरीके से वो पूरा वीडियो मीडिया में आया निकल करके, उसमें पत्रकार के साथ अजय मिश्रा किस तरीके से बदसलूकी करते नजर आए, उसके बाद से मामला और जो है मीडिया में लगातार तूल पकड़ रहा है। हालांकि आप देखिए, जब आज सुबह लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो स्पीकर महोदय ने इस बात को कहा, राहुल गांधी को जब मौका मिला प्रश्न पूछने का तो उन्होंने साफ तौर पर इसकी शुरुआत ही यहीं से की कि अजय मिश्रा टैनी जो है उनका इस्तीफा होना चाहिए, सरकार उनका इस्तीफा क्यों नहीं ले रही है। उसके बाद लगातार जो है हंगामे का दौर चला। तकरीबन 9 मिनट बाद जो है खुद ये 2 बजे तक के लिए लोकसभा को स्थगित करना पड़ गया। और इस पूरे मसले पे आप देखिए, जब से पूरा मसला हुआ है, लखीमपुर खीरी का ये मामला हुआ है, एसआईटी लगातार इस पूरे मामले की जांच कर रही थी, लेकिन एसआईटी ने जब अपनी रिपोर्ट दिया, उस रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा कि ये घटना पूरी तरीके से प्री प्लान्ड थी, उसके बाद से सवाल यही खड़े हो रहा है कि आखिर सरकार इस पूरे मसले पर इस्तीफा क्यों नहीं ले रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अजय मिश्रा का जो जहाँ आवास है वहीं पर मौजूद हूँ, और सुबह जब हम यहाँ पर पहुंचे थे तो जो सिक्योरिटी थी यहाँ पे तैनात की गई थी, लेकिन अभी यहाँ सिक्योरिटी जो है वो हटा दी गई है, क्योंकि वो यहाँ से सीधे निकल करके सबसे पहले गृह मंत्रालय गए और गृह मंत्रालय जाने के बाद से सीधे पार्लियामेंट गए। तो समझा जा सकता है कि सरकार कहीं से भी दबाव में नहीं है, क्योंकि सरकार का यही कहना है कि जिस मसले को लेकर के लगातार जांच की जा रही है, जिसमें कानूनी कार्यवाही लगातार हो रही है उनके बेटे के ऊपर, वैसे भी अगर देखा जाए जिन धाराओं में FIR दर्ज हुई है उस मसले पर लगातार पूछताछ हो रही है, तो उस मसले को मंत्री को नहीं जोड़ करके देखा जा सकता। बदसलूकी की थी अजय मिश्रा ने, इसके बाद उनको दिल्ली तलब किया गया था, अभी वो गृह मंत्रालय पहुंच गए हैं, क्या माना जाए आज उनको जब तलब किया गया है उनके खिलाफ कोई एक्शन हो सकता है? कल उनको देर शाम ही दिल्ली बुला लिया गया था, लेकिन उसके बाद जो सोर्सेज बता रहे थे कि जो बातचीत हुई उनके मंत्रियों के साथ में, और खास करके अजय मिश्रा की अगर बात करें, अभी किसी प्रकार से कोई उनके इस्तीफे की देखिए खबर नहीं है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि सरकार दबाव में है, जिस तरीके से पूरा बदसलूकी का वो वीडियो है लगातार हर जगह पर वायरल हो रहा है।